नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। आज हम बात करेंगे व्रिंस ब्रिज के बारे में। व्रिंस ब्रिज हमारा ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाने वाला ब्रिज है, जिससे हम अपने सर्किट कंपोनेंट में लगे हुए अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं और साथ ही साथ कैपेसिटेंस का पावर फैक्टर भी निकाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें और साथ ही साथ उसके पावर फैक्टर को कैलकुलेट करें। तो उससे पहले हम लोग सर्किट कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि हमारे इस सर्किट में लगे हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आर्म वन में हमारा एक अननोन कैपेसिटर सी और एक नोन रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है। आर्म टू में हमारा एक सिंपल रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। आर्म थ्री में हमारा एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है C3, वेरिएबल कैपेसिटेंस C3, और साथ ही साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R3, और आर्म फोर में हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम अपने इक्वेशन लिखने से पहले हम सबसे पहले इम्पीडेंसेस, सभी आर्म्स में लगे हुए इम्पीडेंसेस की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ इवेल्यूएट करते हैं कि हम लोग जब आर्म वन में का इम्पीडेंस हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इम्पीडेंस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, R1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। हम लोग इसको पहली इक्वेशन ले लेते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट हमारा Z2 यानी कि जो दूसरे में जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एक सिंपल एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है तो केवल R2 हो जाएगा। सिमिलरली Z3 हमारा कितना हो जाएगा, वहाँ पर हमारा एक कैपेसिटेंस और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस लगा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग का वहाँ पर हो जाएगा R3 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C3। हम लोग इसको सेकेंड, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब आखिरी में हमारा फोर्थ आर्म्स में इम्पीडेंस Z4 जो हमारा सीधा R4 हो जाएगा, हम लोग उसको फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने अपनी पहले भी पढ़ रखी है बैलेंसिंग कंडीशंस में अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, बेसिकली वो होती है हमारी Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। तो चलिए हम अपने सभी आर्म्स की मतलब सारी Z1 और Z2, Z3, Z4 की वैल्यूज़ को अपनी बैलेंसिंग इक्वेशन पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब हम लोग हमारी बैलेंसिंग कंडीशंस में अपने वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं। फिर से एक बार मैं बैलेंसिंग कंडीशन लिख देता हूँ, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4। तो Z1 की वैल्यू हमने क्या वैल्यूएट की थी, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम निकाले तो R1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी अपॉन Z2 की वैल्यू R2 इज इक्वल टू Z3 की वैल्यू क्या निकाली थी, R3 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C3 अपॉन R4। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये R1 R4 प्लस R4 अपॉन जे ओमेगा सी इज इक्वल टू R2 R3 प्लस R2 अपॉन जे ओमेगा C3। अब हमें बैलेंसिंग इक्वेशंस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग को उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं, ऑन सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। अब सबसे पहले हम रियल पार्ट को लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं 5, क्योंकि हमने 4 इक्वेशन ले चुकी हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ऑन सेपरेटिंग रियल पार्ट, ताकि आप लोग को आसानी हो कि ये रियल पार्ट को सेपरेट करने पर हमें ये इक्वेशन 5 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 मिली है। अब हम बात करते हैं जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R4 अपॉन C इज इक्वल टू R3 अपॉन C3। इससे हम लोग अपने अननोन कैपेसिटेंस C की वैल्यू को देखिए कैसे इवैल्यूएट करते हैं। C कितना हो जाएगा हमारा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R4 अपॉन R3 इंटू C3। मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि हमें आसानी से इवेल्यूएट कर सके, हमें यही क्वेश्चन लानी है। इससे हम लोगों ने क्या इवेल्यूएट कर लिया,
ये सी की वैल्यू को इवेल्यूएट कर लिया, हम इसको सिक्स्थ इक्वेशन दे देते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन सेपरेटिंग इमेजिनरी पार्ट, हमने इसको इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके निकाला है। अब मैं साथ में ये भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि इसमें कैसे हम इसमें से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारा पावर फैक्टर, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ ये पावर फैक्टर, हमारा चीज़ ये पावर फैक्टर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कॉस फाई से, जिसकी वैल्यू होती है आर अपॉन जेड, जहाँ कि आर हमारा रेजिस्टेंस किसी भी टोटल सर्किट का और जेड हमारा सर्किट का टोटल इम्पीडेंस होता है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कॉस फाई कितना हो जाएगा, आर अपॉन अब यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर टू दी पावर हाफ, यानी कि हम इसको अंडर रूट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ केस में हमारा कॉस फाई कितना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करने पर ये हमारा बेसिकली ये हमारा आ जाएगा आर ओमेगा सी। आर ओमेगा सी यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर है वो काफ़ी छोटा है वन अपॉन ओमेगा सी से, इसीलिए हमारा ये इक्वेशन आ गई है कॉस फाई इज इक्वल टू आर ओमेगा सी। अब क्योंकि हमारे अपने सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक सिंगल आर नहीं है, बेसिकली हमने आर वन कंसिडर किया है, तो इस सर्किट का जो हमारा पावर फैक्टर निकलेगा कॉस फाई वो हमारा निकल जाएगा आर वन ओमेगा सी। मैं इसको भी एक बॉक्स में क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान हो कि ये हमारा पावर फैक्टर है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पावर फैक्टर, ये हमारा बेसिकली पावर फैक्टर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।